क्या बोले? फुटबॉल। चलो एक मिनट चावल ले लेते हैं। तो यार भाई फाइनली हम लोग आ चुके हैं बालाघाट। और बालाघाट पे रहने के बाद जबलपुर पे पढ़ने का क्या ही फ़ायदा। ये देख लो सामने फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन का काम चालू है और मेरे हाथ पे ये इतना बड़ा वजन। तो यार भाई देखो ये रहा रेलवे स्टेशन। दरअसल सीन ऐसा कुछ हो गया कि जिस ट्रेन से मैं जाने वाला था वो ट्रेन अभी कम से कम 2 घंटे डिले हो चुकी है। तो उस वजह से मैं अपने घर अपने चाचा के घर आया था। ये देखो ये जो कैंटीन जो देते हैं रेलवे के जॉब वाले को, उनकी कैंटीन पे रहते हैं चाचा, तो इनके तरफ आया था। फ़िलहाल यहाँ से नाश्ता पानी करते हैं और फिर जब तक ट्रेन आती जब तक हम लोग तो फुल्ली फ़ोन वोन भी चार्ज कर लेता हूँ। फिर निकलते हैं अपन अपने बालाघाट जंक्शन से लेके कहाँ जा रहे हैं, जबलपुर अपने दोस्त के पास। फ़िलहाल खाना पीना खाऊंगा यार, बहुत जम से भूख लग गई है। फ़िलहाल तुम ये देखो इधर ये रहा बालाघाट जंक्शन अपना, ये चाचा चाचा लोगों का रूम। चलो तो भाई फाइनली अभी मैं फाइनली तो नहीं यार अंदर आ चुका हूँ। अरे जो मेरे देखो चाचा का लड़का है। क्या होना आपको, क्या होना जम से बोलो, मोबाइल दो। अभी भाई बहुत रो रहा था। फिलहाल मोबाइल मांग रहा था मुझे, वो पापा जी थे इनके, तो अभी पापा जी चले गए, अभी मेरे साथ है तो रोला तो ऐसे ही बनता है। चलो फिलहाल देखो चाचा जी का जो ये यहाँ पर जो कैंटीन जो मिलता है ना भाई, वही है, वहीं पे रहते हैं मस्त। और फिलहाल मैं भी यहीं पे आया हूँ, फिलहाल खाना पीना खाता हूँ भाई। जब तक ट्रेन भी आ जाएंगी हमारी तो फिर उधर ही निकल लेंगे हम लोग चाचा के साथ ट्रेन में, क्योंकि बता रहे थे चाचा जी कि चाचा की जॉब भी जो है अभी बीच रास्ते पे ही कहीं है ड्यूटी, तो वहाँ पर उतर जाएंगे वो लोग। मैं भी उनके साथ चला जाऊँगा, मैं तो चला जाऊँगा जबलपुर। ये लो मोबाइल लो, रखो, अरे रखो ये मोबाइल मोबाइल लो मोबाइल। क्या देखोगे पहले बताओ, बाहर नहीं जाना पापा चिल्लाएंगे। चलो अंदर चलो अंदर चलो, मोबाइल दिखाता हूँ, सही में दिखाऊंगा। रोना नहीं, चलो 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 भाई चलो बेटू चलो। मैं देता हूँ मोबाइल, देता हूँ मोटू पतलू दिखाऊंगा तुमको मोटू पतलू। भाई बहुत परेशान करता है यार ये, क्या बोले फुटबॉल लॉलीपॉप लाएंगे पापा, डबल लाएंगे। पता नहीं भाई ये क्या बोल रहा है, मेरे को तो मेरी इसकी बात तो मुझे समझ नहीं आ रही है। क्या लाएंगे, लॉलीपॉप। हाँ ऐसे बोलो, फिलहाल मान तो गया, मोबाइल दिया था इसको थोड़ी देर मैंने, पर अब मान गया इसको, बातों में थोड़ा उलझाए रखता हूँ देखना। क्या आपका नाम क्या है, क्या नाम है, फिर से रूठ गया देखो, क्या नाम है आपका। चलो भाई मोबाइल दे देता हूँ वरना फिर मेरा जीना हराम कर देगा इसी के घर पे होगी। ठीक है यार, हाँ
एक जबलपुर देना। तो भाई फाइनली भैया हमको जगह वगैरह मिल चुकी है मस्त एकदम। फिलहाल पूरी ट्रेन खाली है, तुमको दिखाता हूँ ये देखो। और फिर खाना पीना चाचा के यहाँ हो गया था हमारे, जैसे कि तुमको पता है जब से मैंने चाचा के यहाँ रुका हुआ था अपने, अब बस जबलपुर पहुँचना है यार, हो गया कैसे भी क्योंकि नाइट भी बहुत हो चुकी है। फिलहाल तुमको टाइम बता दूँ कि अभी करीबन 9:30 बजे, 9:30 बजे इतना ट्रेन जो डिले था 9:30 बज गए। अभी एक ट्रेन तो मेरी छूट गई है, सेकेंड ट्रेन पकड़ा हूँ जो एक्सप्रेस है। फिलहाल ये आंटी लोग की कुछ मदद करते हैं, दादी जी लोग बहुत परेशान दिख रहे हैं। अम्मा जी हैं साथ पे और उनकी लड़की, फिलहाल ये भी जा रहे हैं हमारे साथ जबलपुर। और फिर सुबह ही मिलेंगे तुमको, तो सुबह ही बताता हूँ आगे का नज़ारा क्या होता है, क्योंकि अभी अब ट्रेन लगभग बहुत लेट हो चुका है, 9:30 बज गया था और रात में भी फिलहाल 2 बज जाएगा हमको लगभग जाते जाते, तो तुमको वहीं दिखाता हूँ। भाई अभी रुकी हमारी ट्रेन मदन महल पे, और यहाँ से बस करीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर का हमारा जो जबलपुर जंक्शन है वो है, बस यहीं पे रुकी है थोड़ी देर, क्योंकि आगे जो मालगाड़ियाँ आ रही थी तो उस वजह से क्रॉसिंग है आगे। फिलहाल टाइम तुमको दिखा देता हूँ, 1:30 बज चुका है, तुमको दिखेगा नहीं फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ। तो मदन महल पे रुकी गाड़ी अभी फिलहाल, चलो देखते हैं कब तक निकलती है और कब तक इसको सिग्नल मिलता है आगे के लिए, और टाइम देख लो ज़रा। 1:21 यार बहुत डिले था ट्रेन, इतना डिले होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगली बार अगर हमको अगली ट्रेन अगर पकड़नी रहती तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है भाई। मतलब मुझे तो लास्ट स्टॉप जबलपुर ही आना था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं अपने को। चलो फिर वहाँ पर अपना दोस्त भी वेट कर रहा है अपना, मैंने उससे बता दिया था कि हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, तो वो हमको लेने आ जाएगा अपने टाइम पर। फिर मिल के वहीं पर मिलते हैं आपसे अपने दोस्त के साथ। तो चलो भाई फाइनली अपने लोकेशन पे हम लोग भी पहुंच गए हैं, मेरा दोस्त भी आ गया था मेरे को लेने के लिए। ये देखो जिसको मैंने बोरी थमा दिया हूँ, फिलहाल ये जो आंटी लोग हैं इनको छोड़ देते हैं इनके उधर प्लेटफॉर्म नंबर फर्स्ट तरफ, और फिर चलते हैं हम भी अपने रूम पे, क्योंकि अभी बहुत ठंड लग रहा है करीबन 2 बज चुका है यार। चलो पहले इनको छोड़ देते हैं, फिर निकलते हैं हम अपने रूम। Is it like a shopping?
करते हैं।